नमस्कार, मैं प्रीति राजपूत, आप सभी का स्वागत है समाचार टाइम 24 में। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को उनके अध्यक्ष पद से हटाने का फैसला लिया गया है। साथ ही बीसीसीआई के सचिव अजय शिर्के को भी उनके पद से छुट्टी कर दी गई है। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने में ही हो रही लापरवाही के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को पद से हटाने का आदेश दे दिया है। यही नहीं, कोर्ट ने बीसीसीआई के सचिव अजय शिर्के को भी उनके पद से हटाने के आदेश दिए हैं। इस मामले में दोनों को नोटिस भी जारी किया गया है। अनुराग ठाकुर पर लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को न मानने और कोर्ट के नियमों की अवहेलना करने का आरोप है। पिछले सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा था कि बीसीसीआई प्रमुख अनुराग ठाकुर पर कोर्ट की अवहेलना का केस चलाया जा सकता है। इस मामले में कोर्ट का फैसला ताकीद है। कोई भी देश के कानून से भाग नहीं सकता। ये सभी खेलों के लिए मिसाल है और यही क्रिकेट की जीत है। बीसीसीआई अध्यक्ष पर कोर्ट में गलत हलफनामा देने का आरोप है। इस मामले में अनुराग और अजय पर कोर्ट की अवहेलना का भी केस चलाया जाएगा। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर खुद इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। अनुराग ठाकुर को माफी भी मांगनी पड़ सकती है। अवमानना करने के केस चलता रहेगा। अगर बिना शर्त माफी ना मांगी तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। अनुराग पर आरोप है कि उन्हें कोर्ट से झूठ बोला और सुधार प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश की। ठाकुर ने शशांक मनोहर को चिट्ठी लिखकर पूछा था यदि लोढ़ा समिति की सिफारिशें सरकारी हस्तक्षेप है या नहीं। आईसीसी के नियमों के अनुसार सरकारी हस्तक्षेप करने पर बोर्ड की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और इसके साथ ही अपने तेवर भी साफ कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब बीसीसीआई की अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही वरिष्ठ संयुक्त सचिव बीसीसीआई के सचिव होंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24।